सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के प्रॉब्लम 5 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम में हमको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बनानी है। तो ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स की हैं उससे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। कैलकाटा हॉकी एसोसिएशन हैज़ 14 मेंबर क्लब्स। इट अरेंजेस फिक्स्चर्स एंड पेज रेफरीज एंड लाइन जजेस अ स्मॉल एक्सपेंस अलाउंस फॉर ईच मैच अटेंडेड। तो क्या है, कैलकाटा हॉकी एसोसिएशन एक एसोसिएशन है, ठीक है। इसके 14 मेंबर क्लब्स हैं और ये कैलकाटा हॉकी एसोसिएशन क्या करता है, ये अरेंज करता है फिक्स्चर्स, यानी कि मैच फिक्स करता है इन 14 मेंबर्स के बीच में, हाँ मैचेस करवाता है, और रेफरीज और जजेस को एक छोटी सी एक्सपेंस देता है फॉर ईच मैच, तो जो भी मैचेस होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 मई 2004 द एसोसिएशन हैड ₹1500 इन द बैंक। तो 1 मई 2004 को एसोसिएशन के पास ₹1500 बैंक में थे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वैल्यूड एट ₹2000, तो 2000 की स्टेशनरी थी, एंड ऑफिस फर्नीचर वैल्यूड एट ₹7000, 7000 का ऑफिस फर्नीचर उनके पास था 1 मई 2004 को। तो हो सकता है ये हमारा ओपनिंग डेट हो, ठीक है। यहाँ लिखा है आगे, ऑफिस रेंट फॉर 6 मंथ्स ₹1250 वॉज ड्यू एंड अनपेड। तो 6 महीने का रेंट जो है ₹1250 वो ड्यू था। कब ड्यू था, 1 मई 2004 को, पे नहीं हुआ था। अब देखिए आगे लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 30 अप्रैल 2005, यानी कि हमारा जो ईयर है वो 1 मई 2004 से लेके 30 अप्रैल 2005 तक है। 1 मई 2004 से 30 अप्रैल 2005 तक का, तो बहुत ही अनयूजुअल है, मई से अप्रैल तक की ईयर जनरली होती नहीं है, पर इस प्रॉब्लम में वैसा दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएशन ने क्या क्या रिसीव किया उसकी लिस्ट दी हुए। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 30 अप्रैल 2005 द एसोसिएशन रिसीव्ड, तो ये जो नीचे आइटम्स दी हुई हैं ये सारी रिसीप्ट्स की आइटम्स हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिसीव किया है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 14 क्लब्स फॉर करेंट ईयर, तो ₹28,000 जो है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इसने रिसीव किया है फ्रॉम 14 क्लब्स फॉर करेंट ईयर। तो करेंट ईयर से रिलेट करता हुआ 28,000 रिसीव किया है 14 क्लब से, तो एक क्लब का कितना होगा, 28,000 डिवाइडेड बाई 14, यानी कि पर क्लब, यहाँ पर क्लब जो है ₹2000 होगा, ओके। वन क्लब सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2005-06, तो एक क्लब का सब्सक्रिप्शन 2005-06 का भी इसने 30 अप्रैल 2005 के अंदर रिसीव कर लिया था, तो ये ₹2000 उसने, एक क्लब का जो 2000 है वो ₹2000 उसने एडवांस में रिसीव कर लिया था, ध्यान दीजिएगा। फिर एक डोनेशन उसने रिसीव किया था 1000 का। उसके बाद प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ प्राइज ड्रॉ टिकट्स, तो शायद इन्होंने कोई लकी ड्रॉ वगैरह किया होगा, इसके लिए इन्होंने जो टिकट्स प्रिपेयर किए थे उनको बेच कर इन्हें ₹6000 मिले हैं, ओके। उसके बाद देखिए, फॉर द सेल ऑफ एन ऑफिस कैबिनेट, तो यहाँ पे ₹150 मिले हैं एक ऑफिस कैबिनेट को बेच के, जिसकी बुक वैल्यू थी ₹200, तो बुक में वैल्यू थी ₹200, सेल करके मिले हैं ₹150। अब ये तो हमारी रिसीप्ट्स थी, ये इतनी हमारी थी रिसीप्ट्स, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होते पेमेंट्स, तो चलिए देखते हैं इसने 2004-05 में क्या क्या पेमेंट्स की हैं। तो ये सारे आइटम्स हैं पेमेंट्स के। पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर एक्सपेंस अलाउंसेस पेड टू ऑफिशियल्स, वो जो ऑफिशियल्स थे रेफरी जज वगैरह उनको इन्होंने पे किया है ₹21,840 पूरे साल में, जो कि उसका एक्सपेंडिचर था। फिर ऑफिस रेंट फॉर 2 ईयर्स, तो 2 साल का ऑफिस रेंट पे कर रखा है माइंडेड ₹5,000 का। उसके बाद परचेज ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदा है ₹500 का। प्रिंटिंग ऑफ ड्रॉ टिकट्स, तो यहाँ जो ऊपर उसने लकी ड्रॉ किया था, ये जो था लकी ड्रॉ, प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ लकी ड्रॉ टिकट्स, ये जो प्राइस का ड्रॉ टिकट्स था, तो ये जो टिकट्स थे लकी ड्रॉ के उसकी जो प्रिंटिंग हुई थी उसका खर्चा यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। प्रिंटिंग ऑफ ड्रॉ टिकट से है ₹400 पेमेंट हुआ है। और ड्रॉ प्राइजेस, तो ये जो लकी ड्रॉ था इसके लिए कुछ प्राइजेस वगैरह भी इन्होंने खरीदी हैं, तो कितने की प्राइजेस खरीदी हैं, 2000 की, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ऑन द 30 अप्रैल 2005 रेंट पेमेंट वॉज 6 मंथ्स इन एडवांस, तो ईयर एंडिंग डेट के बारे में बताया, ये 30 अप्रैल 2005 जो ईयर एंडिंग डेट है उस दिन रेंट जो था वो 6 मंथ्स का एडवांस पेमेंट हमने कर रखा था। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वॉज वैल्यूड एट ₹2100, तो उस दिन 2100 का स्टॉक था हमारे पास स्टेशनरी का।
एंड एन अकाउंट फॉर प्रिंटिंग ड्रॉ टिकट्स ₹250 वॉज अनपेड। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने प्रिंट किए थे ड्रॉ टिकट्स ₹400 है जो हमने पे किए थे, इस ₹400 के अलावा और ₹250 देने बाकी हैं। तो टोटल प्रिंटिंग का खर्चा हमारा 400 प्लस 250 यानी कि था 650। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इस 650 में से 400 हुए पे और 250 हैं अभी तक अनपेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बनाने के लिए हमसे मांगा है इन्होंने। इन्होंने बोला है कि स्टेटमेंट शोइंग एक्यूमुलेटेड फंड ऑन फर्स्ट मे, यानी कि एक ओपनिंग बैलेंस का हमें एक एक्यूमुलेटेड फंड यानी कि कैपिटल फंड। ठीक है, तो हमें ओपनिंग डेट में कैपिटल फंड को निकालने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट में 2004 को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें हमको कैपिटल फंड जो है ये एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मांगा है इन्होंने 2004-05 का। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा है 30 अप्रैल 2005 का, और ब्रैकेट में लिखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस ऑन द ड्रॉ शुड बी शोन। तो ये जो ड्रॉ हुआ था, ड्रॉ टिकट्स लकी ड्रॉ, इसमें कितना प्रॉफिट और नुकसान हुआ वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो ये भी हम देख लेंगे। और बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, तो इस दिन में बैलेंस शीट। तो ये प्रॉब्लम जो है मैं इस वीडियो में बस प्रॉब्लम ही डिस्कस करूँगा, आप इसको अपने घर में सॉल्व कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद ज़रूर से कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा और अलग टाइप का प्रॉब्लम है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा जैसे उन्होंने मांग रखा है, जिससे आपको ओपनिंग कैपिटल मिलेगा। और उसके लिए ही आपको ये ओपनिंग इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है बैंक अकाउंट वगैरह की, बैंक में कितने पैसे थे, फर्नीचर कितने का था, स्टेशनरी की क्या स्टॉक थी, और ऑफिस रेंट जो प्रीपेड था या अनपेड था, ये सब इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आप ओपनिंग कैपिटल निकालिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो रिसीप्ट्स और पेमेंट्स जो दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए ये जो रिसीप्ट्स हैं और यहाँ पे जो पेमेंट्स हैं, ये जो दिए हुए हैं इनके हेल्प से आप रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना लीजिए। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना लीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस आपके पास दिया हुआ है बैंक का यहाँ 1500, और ये सारे साल के रिसीप्ट्स और पेमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनसे आप रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाइएगा। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने के बाद नॉर्मल जैसे हम पुराने प्रॉब्लम्स में करते आए हैं जहाँ पे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमें दिया हुआ होता था, उसी तरह सिमिलरली आप रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के हेल्प से फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है वो बना लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो में मैंने जो आपको बताया वो समझ में आया होगा, और आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसका सलूशन मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।